नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द चार्जिंग पॉइंट में। आज हम बात करेंगे मोबाइल रेडिएशन के बारे में। आज के समय में ये मोबाइल एक ऐसी ज़रूरत बन चुकी है कि उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाते लोग। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, मोबाइल हर पल हमारे साथ रहता है। मोबाइल फ़ोन के जितने फ़ायदे हैं उतने ही नुकसान भी। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। आप सभी ने रेडिएशन के बारे में सुना ही होगा। रेडिएशन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। फॉर एग्जांपल, एक्सरे, टीवी रिमोट, माइक्रोवेव, मोबाइल फ़ोन, ये सब रेडिएशन के सोर्स हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोविड-19 की वजह से स्कूल बंद होने के कारण जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आजकल दो दो तीन तीन घंटे मोबाइल लेकर के लगे रहते हैं। जिन बच्चों को हम पहले मोबाइल से दूर रखना चाहते थे, आज इस एजुकेशन सिस्टम के वजह से उनको मोबाइल देना पड़ता है। तो ये बच्चे जो हैं ये रेडिएशन के कांटेक्ट में आते हैं ज़्यादा टाइम मोबाइल यूज करने से। तो इसके लिए हम गार्जियन से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अपने मोबाइल को प्लीज़ चेक करें कि वो रेडिएशन फ्री है या नहीं। रेडिएशन का लिमिट क्या है आपके मोबाइल का? जो मार्केट से आप मोबाइल लाकर बच्चे को दे रहे हैं उसका जो रेडिएशन रेंज है वो क्या है? वो गवर्नमेंट के लिमिट के दायरे में है या ज़्यादा है? तो उसी को टेस्ट करने के लिए मैं एक कोड बताऊंगा इस वीडियो में आपको, जिस कोड से आप अपने मोबाइल को टेस्ट कर पाएंगे कि वो उसका रेडिएशन का लिमिट कितना है, वो हार्मफुल है बच्चों के लिए या नहीं है। अपने मोबाइल का रेडिएशन बहुत ही आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। आपको जाना है फ़ोन में और डायल करना है ये कोड *H07H और आप देखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले हो गया कोड जो सार लिमिट दिया है। हेड के लिए अलग होता है, बॉडी के लिए अलग होता है। जो हेड के लिए है ये 1.014 वेट पर केजी एट द रेट 1G, दूसरा जो है 0.445 वेट पर केजी एट द रेट 1G बॉडी। तो ये जो लिमिट है ये 1.6 से अबव नहीं जाना चाहिए, 1.6 वेट पर केजी से अबव नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो हार्मफुल होगा। तो ऐसे ही आप किसी भी मोबाइल का रेडिएशन चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।